नमस्कार, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्लोबल यूनिट पे प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो वॉलेट कैसे बनाया जाता है और साथ ही जानेंगे वॉलेट की सभी कार्यों और क्षमताओं के बारे में। अब आप अपने खाते में लॉगिन करें और मुख्य पृष्ठ पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए का बटन ढूंढें। बटन दबाएं। खुलने वाली विंडो में उन क्रिप्टो करेंसी का चयन करें जिसमें आप रुचि रखते हैं, जिसके लिए आप क्रिप्टो वॉलेट बनाना चाहते हैं। अब इनकी बाईं तरफ स्थित रेडियो बटन में एक चेक मार्क लगाएं। आप सभी को एक साथ भी चुन सकते हैं। उसके बाद हरा बटन दबाएं और प्रतीक्षा करें कि जब तक सिस्टम वॉलेट को उत्पन्न ना कर दे। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। आपका वॉलेट सफलतापूर्वक बन गया है। अब आप अपनी चुनिंदा क्रिप्टो करेंसी में खरीद, विनिमय, बिक्री और हस्तांतरण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अपनी जरूरत के अनुरूप क्रिप्टो मुद्रा को कैसे खरीद सकते हैं। ऐसा करने के लिए मुद्रा आइकॉन पर क्लिक करें। उपलब्ध विकल्पों के साथ एक मेन्यू पेश हो जाएगा। पसंदीदा मुद्रा खरीदने के लिए बाय या खरीद टैब पर जाएं और निर्देशों का पालन करें। आप वह मुद्रा चुनें जिसकी खरीदारी के लिए आप भुगतान करना चाहेंगे। अमाउंट टू स्पेंड में वह राशि दर्ज करें जितने की आप क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, या फिर राशि के नीचे के कॉलम में आप वांछित मात्रा में मुद्रा दर्ज करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। अब नीचे का कॉलम सिक्के का बाजारी मूल्य प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आप इच्छित मूल्य की पेशकश कर सकते हैं और जैसे ही बाजार का मूल्य आपके मूल्य से मेल खाएगा, सौदा पूरा हो जाएगा और आप अपने खाते में सिक्के प्राप्त करेंगे। सौदे को तुरंत पूरा करने के लिए मूल्य दर की फील्ड को अपरिवर्तित छोड़ दें। सभी संख्याओं को फिर से जांच लें और खरीद बटन पर क्लिक करें। सेल टैब या बिक्री टैब भी उसी प्रकार काम करता है। आप लिमिट या मार्केट टैब द्वारा भी मुद्रा को बेच सकते हैं और बाकी की फील्ड्स उसी तरह काम करती हैं जैसे खरीद टैब में। अंतर केवल इतना है कि अमाउंट टू स्पेंड में आप चुनाव कर सकते हैं कि किस संख्या में हम क्रिप्टोकरेंसी को बेचना चाहते हैं। एक्सचेंज टैब आपको अपने सिक्कों का आदान प्रदान यानी विनिमय करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए आप यूएसडीटी के लिए बिटकॉइन का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ फ्रॉम और टू फील्ड में आप उन मुद्राओं का चयन करें जिन्हें आप विनिमय करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक्सचेंज के लिए मुद्रा का चयन करते हैं, फिर वह मुद्रा जिसके लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब आप एक्सचेंज करने के लिए मुद्रा की संख्या को दर्ज करें और एक्सचेंज बटन पर क्लिक करें। अब आप भेजें के विकल्प से यानी सेंड टैब द्वारा अपनी चयनित मुद्रा को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। अमाउंट फील्ड में स्थानांतरण के लिए इच्छित राशि दर्ज करें और वॉलेट एड्रेस फील्ड में उस वॉलेट का पता दर्ज करें जिसमें आप ये राशि को स्थानांतरित करना चाहते हैं। इसके बाद सेंड बटन दबाएं। अब यदि अन्य उपभोक्ताओं को आपको सिक्के हस्तांतरित करने हो तो, या फिर आप अन्य वॉलेट से अपने खाते में सिक्के प्राप्त करना चाहते हैं, तो रिसीव टैब पर जाएं और वहां से अपने वॉलेट का पता कॉपी करें। सुनिश्चित करें कि आपने सही सिक्के और वॉलेट को चुना है। आप ध्यान दें, प्रत्येक क्रिप्टो वॉलेट के लिए एक अनूठा पता बनाया जाता है।